हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में बात करेंगे राज्य के पारा शिक्षकों के लिए, उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसी के साथ बात करेंगे विभागों में नियुक्ति नियमावली को लेकर कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 65,000 पारा शिक्षकों के दिन बदलेंगे, बिहार जैसी होगी सेवा शर्त नियमावली। जी हाँ, इसका अपडेट मैंने कल ही आपको दे दिया था कि उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक से ये अपडेट निकल के आ रही थी कि बिहार मॉडल नियमावली को झारखंड में मंजूरी मिल गई है। झारखंड में बिहार का जो नियमावली है वही लागू किया जाएगा। इसके लिए कल उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक रखी गई थी जिस पर यह अपडेट निकल के आ रही थी। हालांकि नियमावली अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। कहा गया है कि छठ पूजा के बाद नियमावली का ड्राफ्ट पारा शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा। तब देखने वाली बात होगी कि बिहार का जो नियमावली है वही लागू हुआ है या फिर उस पर कुछ अलग बनाया गया है। ठीक है, तो पब्लिक डोमेन में जैसे ही नियमावली आती है आप सभी को अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं कि बिहार नियमावली में शिक्षकों को दिया जाता है 5,200 से 20,000 का वेतनमान। ठीक है, इसी के साथ 3 आकलन परीक्षा देने का है प्रावधान। जी हाँ, 3 आकलन परीक्षा या फिर दक्षता परीक्षा आपको देने होंगे, उस पर एक बार आपको पास करना होगा तभी आप सेवा में रह सकते हैं और वेतनमान आपको मिल पाएगा। तो आपको 3 मौके दिए जा रहे हैं, आपको एक बार पास करने हैं। ठीक है, हालांकि ये सारे चीज़ अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि यह बिहार मॉडल नियमावली में ऐसा दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं कि विभागों में नियुक्ति नियमावली को लेकर होगी कैबिनेट की बैठक, इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि नियुक्ति नियमावली अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि झारखंड में कहा जा रहा है कि इसी वर्ष नियुक्ति शुरू होगी, लेकिन नियमावली जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नियुक्ति संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं, यहाँ क्या दिया गया है एक बार हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, हेमंत सरकार दूसरे स्थापना दिवस पर 29 दिसंबर को नौकरी की सौगात बांटने की तैयारी में है। इसे लेकर कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता के मुताबिक नियमावलियों में संशोधन किया जाएगा। नियमावली में अभ्यर्थियों के लिए 10वीं और 12वीं की पढ़ाई राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से ही करने की अनिवार्यता से संबंधित प्रस्ताव किया जाएगा। यानी कि आप मैट्रिक और इंटर झारखंड से किए हैं तभी आप 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो एक बड़ा चेंजेज जो कि नियमावली में किया जा रहा है, सभी विभागों के नियमावली में किया जा रहा है, तो इसे लेकर अब कैबिनेट में स्वीकृति मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही अब ये सारे नियमावली पर स्वीकृति मिलेगी और राज्य में नियुक्तियाँ शुरू की जाएगी। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि नियमावली कब तक क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि जब तक नियमावली क्लियर नहीं होती है तब तक नियुक्ति संभव नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि अपडेट आपको पेपर के माध्यम से ही मिल रहा है कि बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है, नियमावली में संशोधन का कार्य चल रहा है। तो अब देखना यह है कि कब तक यह पूरा हो पाता है और झारखंड में कब तक नियुक्तियाँ शुरू हो पाती है। ठीक है, तो इस पर जैसा कि आपको पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि किन विभागों में अभी नियुक्तियाँ शुरू होने की संभावना लगाई जा रही है, उस पर आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ देखिए, 12 को होगी कैबिनेट की बैठक। जी हाँ, 12 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन की स्वीकृति दी जाएगी। विभिन्न विभागों में नियुक्ति नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इसे लेकर विभिन्न विभागों में की जा रही है कार्यवाही की रिपोर्ट ले रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 लाख से अधिक पदों पर शीघ्र नियुक्ति की घोषणा की है। इसे पूरा करने के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजने का काम जल्द होना है। तो देखिए, 1 लाख से ऊपर पदों पर नियुक्ति की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन यह अपडेट आपको आज 6-7 महीना से मिल रहा है कि अगले महीना से बंपर भर्ती होगी, लेकिन अभी तक आपको सिंगल नियुक्ति देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वह भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में झारखंड में नियुक्ति शुरू होगी या नहीं होगी। बिल्कुल वह सभी निराश हो चुके हैं, वो
वह सरकार से ऊब चुके हैं कि सरकार सिर्फ पेपरबाजी कर रही है, अभी तक सिर्फ पेपर में ही नियुक्ति आई है, वाकई में देखने को नहीं मिली है। वाकई में यह हकीकत बात है, क्योंकि अभी तक सिंगल नियुक्ति भी हमें देखने को नहीं मिली है। तो जब तक अभी 1000 पदों पर भी नियुक्ति नहीं आ जाती है, तब तक विद्यार्थियों को यह विश्वास नहीं हो पाएगा कि झारखंड में वाकई में नियुक्ति शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात होगी कि 1 लाख पदों पर नियुक्ति कब तक आती है। जैसे ही कोई अपडेट निकल के आएगी, 12 का जो आपका कैबिनेट की बैठक है उस पर क्या अपडेट आ रही है, उस पर नियुक्ति नियमावलियों पर स्वीकृति मिलती है या नहीं मिलती है, जो भी अपडेशन होगा आपको 12 तारीख को मिल जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो अभी तक हमारे चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएँ, जो भी अपडेट मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।